मेरी गलती का एहसास हुआ मुझे, और जैसे ही गुरु जी आए मैं देखा और गुरु चरणों में जैसा ही नतमस्तक होकर नमस्कार करा और उस तारा मंत्र करा, मैं देखता हूँ वहाँ गुरु जी नहीं है, तारा खड़ी हुई है। ये दिल्ली का तो गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में झुक गया और देखा, तब मेरे आंखों में आंसू आए और मुझे लगा कि मैं आज तक कौन सी गलती कर रहा था। गुरु के चरणों में, गुरु में ही अगर सब कुछ निहित है तो हम किस देवता की प्रार्थना करते हैं। यही बात उस दिन सभी लोग कह रहे थे, जैसे मैंने कहा कि सभी देवी देवता तुम्हारे शरीर में ही समाहित है, तो हम किस प्रकार साधनाएं जरूर करना चाहिए। खाने के लिए हमें चावल चाहिए, रोटी चाहिए, भाजी चाहिए, दाल चाहिए, सब चाहिए। इसी प्रकार दस महाविद्याएं उसी गुरु ने बताए हैं और दूसरी साधनाएं भी उसी गुरु ने बताए, लेकिन इनको गुरु में देखने की कला हमारे में जब तक नहीं आती तब तक हमारी वो साधनाएं नहीं होती। हम ये जब तक नहीं मान लेते कि गुरु में यह सब समाहित है तब तक हमें ये सिद्ध नहीं होता। और यही बात सभी लोग पूछ रहे थे कि गुरु जी हमने इतनी सारी साधनाएं संपन्न की लेकिन हमें कोई भी देवता का दर्शन नहीं होता, और एक बार दर्शन हो जाए, हम तो आपके शरीर को देख रहे हैं, हम उस आपके सूक्ष्म शरीर को नहीं देख रहे हैं जिसको सिद्धाश्रम की योगी देखते हैं, जहाँ अप्सराएं भी अपने बाल तुम्हारे चरणों में बिछाकर उसके ऊपर चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, साधु संत तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पते हैं, और उस दर्शन को हम नहीं कर सके। हम तो आपको धोती पैजामा धोती शर्ट में पहने हुए देखते हैं, आप मंत्र देते हैं हम देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि गुरु जी को हमने पैसा दे दिया, हमने इतना दक्षिणा दे दी, अब गुरु जी हमें मंत्र देते हैं, हम यही सोचते हैं। हम एक तुम्हें उस रूप से देखते हैं कि गृहस्थ रूप में, एक व्यापारी के रूप में, कहो एक व्यापारी है, पैसा दे दिए, देख लिए, हम चलते फिरते नजर आए, हमने कभी उस आपका वो दिव्य रूप से सूक्ष्म रूप नहीं देखा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गुरु जी हंसे कहा कि सिद्धाश्रम के जितने योगी हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं, वो तो सन्यासी है, अपने शरीर पर तपस्या करते हुए उनके ऊपर माटी की परत चढ़ जाती है, उनके ऊपर वो सारी चीज़ें हो जाती है कि जिनकी आंखें भी नहीं दिखती, इतनी मिट्टी की परत होती है, सांप बिच्छू उनके ऊपर से जाते रहते हैं, दिलते नहीं वहीं बैठे हुए ठूंठ की तरह साधना तपस्या रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पता चला कि स्वामी निकलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम में पहुंच गए हैं तो वह सारी तपस्याएं छोड़कर गुरुचरणों में भाग कर आते हैं कि हमारी तपस्या सफल हो गई। तो गुरु जी वो सूक्ष्म रूप हमें कैसे दिखाएंगे। तब गुरु जी ने कहा तुम्हारी साधनाओं की सफलता के लिए है, मैंने आज तक ये तो दुष्कर साधना है, किसी को नहीं दे सकते, लेकिन इस सिद्धाश्रम में जो साधना सारे साधु करते हैं, और साधना का समझो 1,25,000 मंत्र जप करना है तो 9,999 जप भी हो गया, और एक माला जप करने से 1,25,000 पूर्ण होता है, और पता चला कि गुरु जी आए हैं तो वो एक माला बिना पूर्ण करते हुए भागते आएंगे और गुरु चरणों में नमस्कार करेंगे। वो ये साधना जाए भाड़ में गुरु से बढ़कर श्रेष्ठ नहीं है। आज हम देखते हैं अगर गुरु जी कहें कि गुरु जी का फोन आया, गुरु जी बुलाएं, तो गुरु जी अभी पूजा में हूँ, जरा काम में हूँ, आपको बात करता हूँ, फोन का जवाब इस तरह आता है, क्योंकि हम गुरु की वो श्रेष्ठता जानते ही नहीं कि हम गुरु को देखें, गुरु को देखने के लिए आए। अगर समझो गुरु के हम उनके गांव में भी गए हैं तो कहानियां सुनाएंगे अपने को कि गुरु जी मेरी जरा बेटी का डिलीवरी था, या मैं नौकरी को आया था, मिनिस्टर बुलाया था। अरे उससे जो तुझे ये जीवन दिया है, मिनिस्टर बुलाने की कथा क्या है, तो वो तेरे सामने खड़ा हुआ है, वो देवता जो तुझे सब कुछ देने के लिए खड़ा है, और तू उसके लिए भाग के नहीं आता, और जब तक तेरे में ये भावना नहीं आएगी तब तक उन देवताओं का या उसकी श्रेष्ठता तू नहीं देख सकेगा। तब गुरु ने कहा कि संसार में तुम्हें सचमुच तुम्हारी सारी साधनाओं का अगर गुरु रूप में या गुरु की प्रसन्नता के रूप में अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें वो साधना जो सिद्धाश्रम के सिद्ध योगी आदि करते हैं वैसी साधना गुरु जी ने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। गुरु जी ने वो साधना सभी को प्रदान की थी। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कल, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए कि गुरु जी ये इतनी दूर से चलते और वर्षा में भीगते हुए आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा शिविर के लिए आ रहे हैं, आप कुछ उनके चीज में ऐसा दो जो कि आपका दर्शन हो जाए, और वो जब चाहते हैं चाहे वो सामर्थ्यवान जीवन जिए, असमर्थ जीवन ना जिए, इसके लिए आपका दर्शन होने का वो साधना जो आप सिद्धाश्रम में दी थी, वो साधना जिसको साधना करने से हम देवता की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो साधना जिसमें आपका सूक्ष्म देह का सूक्ष्मता का परिचय प्राप्त हो, ऐसी साधना हमें प्रदान करो, ये प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने भी परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से यही प्रार्थना कल की कि प्रभु वो साधना जो आपकी डायरी में लिखी हुई है, वो साधना जो आपने
गुप्त रूप से गुप्त रूप में रखी हुई थी वो साधना जो अपने केवल सिद्धाश्रम के योगियों को सिद्धों को प्रदान करते हैं। मुझे आज्ञा दो कि वो साधना मैं मेरे साधकों को दूं और उनके जीवन में हंसी खुशी उनके जीवन में वो प्रसन्नता देखो जो आज तक मैं नहीं देख सका। मैं किसी साधक के मुंह से ये नहीं देखना चाहता कि गुरु जी हमारा एक काम नहीं हुआ। काम नहीं होना या काम नहीं होना इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप सक्षम रूप से जिए, बीमार होकर असमर्थ होकर पड़े मरे मरे ना नहीं, मरे मरता हुआ जीवन नहीं, जीता हुआ चैतन्यवान जीवन जिए। चाहे संकट कितने भी आए, संकटों का सामना कर सके, चाहे संकट कितने भी आए, लोगों के स्वर्ण की वर्षा करवा सके, ऐसे साधक बनो। आप जीते हुए 10 लोगों को जीने की प्रक्रिया सिखाओ, ऐसे साधक बनो। एक फैमिली तो क्या कोई भी चला सकता है, कुत्ता भी अपने बच्चों को पालता है। हम ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे, हम जिएंगे ऐसी जिंदगी हमारे साथ 1000 लोगों को पालने की क्षमता रखेंगे। हम हमारे गुरु को प्रसन्न देखेंगे और हमारे गुरु को प्रसन्न देखते हैं तो 1000 देवता भी हमारे प्रसन्न होते हैं। वो साधना हमारे शिष्यों को मैं देना चाहता हूँ। और ऐसी साधना करने के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार साधना करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, जो साधना गुरु जी ने सिद्धाश्रम में अपने सिद्धाश्रम के योगियों को दी थी, ऐसी साधना आज तक दी नहीं गई और वही साधना मैं आज आपको प्रदान करना चाहता हूँ। ये साधना आज आप यहीं बैठे बैठे ये 2 दिन में संपन्न कर लो। मैं चाहता हूं कि आप अगली बार जब कभी भी आए मेरे पास ऐसी कोई दुखद मुखड़ा नहीं लेकर नहीं आए, कहे कि गुरु जी हम सामर्थ्यवान है, कहो हमें क्या करना है। आज मैं वैसे शिष्यों को देखता हूं, वो कहते हैं कि गुरु जी मेरा क्या कर्तव्य, बोलो गुरु पूर्णिमा को, और मेरा सीना प्रसन्नता से फूल जाता है कि मैंने ऐसे शिष्यों को देखा है। ऐसे शिष्य मेरे हैं जो कहते हैं कि गुरु जी गुरु पूर्णिमा मेरा कर्तव्य क्या है, बताओ मेरी सेवा क्या है बताओ। मैं कहता हूँ ये एक ही नहीं, अपने गुरु कार्य में हाथ बटाते हुए आज आपको कहता हूँ, आज यह जो चांदी का आसन आपके सामने दिख रहा है इसमें श्रेय कहाँ से आरंभ हो, अनिता हमारी एक सारिका है उससे आरंभ हुआ और चारी साहब उसको पूर्ण करके लेके आए। तो ये आसन मैं आज चांदी का आसन किया हूँ लेकिन मैं इसे स्वर्ण आसन में बदलना चाहता हूँ। क्या स्वर्ण आसन होगा, जिस दिन गुरु मंदिर होगा मेरे गुरु को सोने के सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करता हूँ। मेरे गुरु को मैं जितना ऐश्वर्य दे सका, मेरे गुरु को जितना मैं श्रेष्ठता प्रदान कर सका, मैं उस दिन अपने आप को शिष्य के रूप में बहुत श्रेष्ठ मानूंगा। अगर मैं गुरु जी को लकड़ी के आसन पर बैठाता हूँ, मेरे गुरु जी को कपड़े के आसन पर बैठाता हूँ तो दिल ये तो कहता है कि उतनी महान आत्मा ब्रह्मांड वाली आत्मा को मैं कहाँ बैठा रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ। आज आप सब में भी इन सबों को देखता हूँ। आज जब मैं हमारे शिष्य हरि कृष्णा है उनको बोल रहा था कि कैसा यार जो किशन किया हूँ उसमें पहले साधना शिविर का स्थान वो करेंगे बोला, तो उन्होंने कहा कि वहाँ नहीं हो सकता गुरु जी, फिर कैसा हो, यहाँ बनाएंगे तो बोले बारिश आ गई तो सब लोग भीग जाएंगे यार, कैसा होगा, नीचे जमीन भीगी हुई है। तो उन्होंने उनके एक कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा ही बात किया, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आया और कहा गुरु जी आपके शिष्यों पर एक बूंद पानी पड़ने नहीं दूंगा और नीचे भी पानी आने नहीं दूंगा, ऐसा कार्य करता हूँ। ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने आज ये कार्य किया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो या ना हो आप यहाँ बैठकर ये साधना देख रहे हैं। तो इस प्रकार को हमने भी गोवर्धन पर्वत उठा लिया है और हमारे श्री शिष्य बिना इनके वर्षा के कोई भीग नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा है। ऐसी ही साधना जिससे गुरु कृपा प्राप्त हो और हम गुरु के इष्ट के दर्शन कर सके। हम जब कोई भी किसी भी साधना को करें हम गुरु जी को स्मरण करके कहें कि मैंने तारा साधना की है, मुझे गुरु में तारा प्रत्यक्ष हो, तारा दिखे, और जब तारा हमें दिख जाए तो हमारे इस संसार में हम कुछ आगे पीछे नहीं। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं ये बात धड़ल्ले से कह सकता हूं कि मैं जब अकेला बोधन में मेरी माँ के पास माँ के आंचल के पीछे घूमता था, मुझे बोधन में ही कोई पहचानते नहीं थे, सच बात बता रहा हूँ, जब तक मैं बड़ा हुआ, जब तक मैं ऑफिस में काम करता था। लेकिन जिस दिन मैंने गुरु जी के चरण पकड़े और जिस दिन गुरु जी की बोली हुई साधना है कि मैं आज पूरे भारत में पहचान जाता हूँ, चाहे भारत का कौन सा भी कोना हो, ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा की वजह से हुआ। मैं किसी कोने में आप भेजो, लंदन भेजो या अमेरिका, वहां भी मुझे गुरु कृपा से वो शिष्य मिल जाएंगे और मुझे देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसे बने, पूरा भारत आपको पहचाने, और इसके लिए गुरु कृपा प्राप्त करना ये श्रेष्ठता है। गुरु में वो देवताओं को, एक देवता की दृष्टि, एक देवता को भी हम दृष्टिगत अपने गुरु को देख सके तो हम हमारे संसार में सारी चीजों की, सारी इच्छाओं की पूर्ति हम देख सकेंगे, हमारे गुरु को, गुरु तत्व को हम देख सकेंगे। हम उस गुरु तत्व को हमारे पास देखें, गुरु में उस सूक्ष्म देह को देखें जिसमें सारी देवताएं समाये हुए हैं, अगर हम उसमें देख सके तो हम हमारे जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं वो साधना जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपनी डायरी में लिखी थी और केवल सिद्धाश्रम के योगियों को दी थी, वो साधना
आपको गुरु इष्ट का दर्शन हो गुरु में। हम जो भी दस महाविद्या की साधना करते हैं या किसी यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा है, ये तो गुरु के चरणों के पास से निकलते हैं। इन लोगों को साधनाएं कोई भी करते हैं तो हमारे जीवन में एक भी दर्शन हो जाए तो हमें पलट कर देखना नहीं पड़ता, हमारा जीवन यूं ही साफी से चल जाएगा। जहां भी जाएंगे तुम्हारे पास लोग अगर कहेंगे कि बोलो भाई तुम्हारा क्या काम करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम बहुत लोगों से सुनते हैं मेरा भाई झगड़ रहा है प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, मेरी माँ झगड़ रही है प्रॉपर्टी नहीं दे रही, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के जाए। ये तो सामान्य चीजें हैं। इस संकटों को तो एक मिनट में अगर तुम्हें गुरु प्रसन्न हो गए तो इन सभी चीजों को देखता नहीं, वो तुम्हारे पीछे लाइन लगाएंगे। गुरु जी शादी नहीं हो रही, गुरु जी संतान नहीं हो रहा, तुम गुरु को प्रत्यक्ष करने की बात करो, तुम गुरु जी को देखने की बात करो। और मैं अनुभव के साथ कहता हूँ, मैंने किया है आज आपके सामने इतने लोगों को लेकर। आपको पता है गुरु पुत्र भी है और सारे गुरु जी के शिष्य भी है, कितने ही लोग हैं, लेकिन जिसने गुरु को प्रसन्न किया उन लोगों के पीछे आज सारा भारत सारा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ते हुए आगे चलता है। और उस गुरु की क्रिया को उस गुरु के तत्व को निस्वार्थ रूप से अगर आप चाहते हुए साधना संपन्न करते हैं। गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, साधकों की स्थापना की थी गुरु जी ने, कोई शक्तिपात की स्थापना साधना की। शक्तिपात तो बात अलग है कि आपको साधना करने के लिए शक्ति प्राप्त हो और आप साधना करें। बहुत सारे लोग ये कहते हुए मुझे मेरे पास आते हैं, गुरु जी हम साधना को बैठे गए हैं हमारा मन चंचल होता है इधर उधर जाता है। तुम कुछ भी हो, चंचल हो या कुछ भी हो, तुम साधना को संपूर्ण करना है करो, उसके बाद अब समझो हमने एक बीज बोया है, बीज बोया है तो उसको थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको कीड़े लगे, तो कीड़े लगने के लिए कोई ना कोई दवाई मारते हो, कीड़े लगे तो और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको फूल फल लगे तो पशु पक्षी आके खा रहे हैं तो उसको कोई ना कोई जाला लगाओगे, फिर वो बड़ा हुआ तो उसको फूल होंगे, उसके फल होंगे, उसके ऊपर पक्षी बैठेंगे। इसी प्रकार तुम्हारा बीज मंत्र भी तुमने बोया है, उस बीज मंत्र को फल फूल होने तक तुम्हें रक्षा करना है। और जब तक रक्षा करेंगे, जिस दिन फल फूल लगेंगे उस दिन हजारों लोग तुम्हारी साधना करेंगे, लेकिन तुम्हें उतना इंतजार करने का, ऐसा कोई साधक नहीं, ऐसा कोई पूरे जनों का कितना भी महान वशिष्ठ महर्षि हो, कोई वशिष्ठ महर्षि ने 1000 वर्ष तक तारा साधना की थी। हम तो 5 दिन नहीं करते, हम दूसरे दिन करते गुरु हमें तारा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, 1000 वर्ष नहीं हुआ तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई वशिष्ठ महर्षि को, तो वो तारा के मंत्र को श्राप करने देने गए तो ब्रह्मा उनके पिता ने आकर कहा ऐसा मत कर, तू गलत कर रहा है, तूने साधना सीधी तरीके से नहीं की, उस बीज मंत्र में फर्क है, इस बीज मंत्र को इस तरह कर। अगर हम बीज अगर पत्थर पे लगा दे और पानी डालते रहे तो पत्थर वो बीज उठ के नहीं आएगा, अगर उसमें उस बीज को भूमि में गाड़ देते हैं और पानी डालते हैं तो वृक्ष होकर बाहर आएगा। उसी तरह तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारी सारी चीजाओं को बीज को जब तक भूमि में गाड़ नहीं देते, तुम्हारी पहचान जब तक नहीं मिटाते, तुम्हें कोई पहचान है तो ये कहकर पहचाने कि ये गुरु जी का शिष्य है। इसे अनिल कुमार जोशी को नहीं पहचानता, पहचानता यह है कि डॉक्टर नारायण सिवानी जी का निखिलेश का शिष्य, इस नाम से पहचान जाता है। और जिस दिन तुम्हारी पहचान ऐसी बनेगी उस दिन तुम्हारी पहचान मिटाने वाला इस संसार में देवताओं को भी शक्ति नहीं है। जिस दिन तुम्हें पहचानेंगे कि डॉक्टर नारायण सिवानी का शिष्य आप, इस बार में इस विधान को लेकर चलने के लिए उस गुरु को किस तरह प्रत्यक्ष करना चाहिए यह आपको बताते हुए आज वह साधना श्रेष्ठ साधना दे रहा हूँ जो गुरु जी ने अपने गुप्त गुरु डायरी में साधना की। तुम कोई भी साधना करो, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा देवता देवी तर्मा दश महाविद्या पिशाच साधना भूत साधना कुछ भी करो, इस साधना को अगर संपूर्ण करते हो तो गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से जो जो कुछ भी है उन सारी चीजों को आप देख सकेंगे। गुरु प्रसन्न हुआ तो सारी देवताएं प्रसन्न हुई, और आगे आपको जो भी इनकी निम्न में साधना करूंगा उन साधना के प्रत्यक्षीकरण के लिए यह गुरु साधना आप अगर संपन्न करेंगे तो आपकी आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप अगली बार देखेंगे कि इस साधना को हमने संपन्न किया है, और गुरु का फोटो या गुरु का चित्र रखकर उस साधना को संपन्न करें और देखें कि आपको गुरु उस रूप में दर्शन देते हैं या नहीं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि उस साधना को आप आज गुरु कृपा प्राप्ति द्वारा गुरु मंत्र द्वारा इष्ट दर्शन को प्राप्त करने की साधना आपको प्रदान कर रहा हूँ। मैं एक 15-20 मिनट का साधना का समय देता हूँ, आप यंत्र आदि लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ साधना करूंगा, तुम्हें साधना करवाऊंगा। बोलो प्रभु के सद्गुरु भगवान की। आप जो भी इष्ट देवता की साधना करेंगे गुरु में, अगर देवता को देखना चाहते तो